हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल महामाया सिलेक्शन में। दोस्तों, मैं सागर आज आपके सामने एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आया हूँ। रीजनिंग का बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है वेन आरेख। आज हम वेन डायग्राम्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं इसके क्या होता है वेन आरेख। इसके अंतर्गत विभिन्न विषयों, वस्तुओं या संख्याओं के आपसी संबंध को आरेख द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, तो वेन आरेख में क्या करते हैं, किसी वस्तु विषय को या संख्याओं को किसी संबंध के द्वारा दर्शाया जाता है, उसी हम कहते हैं वेन आरेख कहते हैं। टाइप देखते हैं। प्रकार वन, आरेख द्वारा दी गई वस्तुओं के समूह का वर्गीकृत करना। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या आएगा, जब एक वर्ग दूसरे वर्ग से पूर्ण रूप से समाहित हो लेकिन मिला जुला ना हो। देखिए क्या कह रहा है, जैसे माताओं और महिलाओं के लिए आरेख कैसा बनेगा। देखिए, जितनी भी माताएं हैं सभी क्या होंगी, महिलाएं होंगी। ठीक है ना, तो क्या कैसा बन गया, ये माताएं के लिए आ गया। सभी माताएं क्या है, महिलाएं हैं। ठीक है, क्योंकि सभी माताएं महिलाएं होती है, इसलिए ऐसा डायग्राम बनेगा, माताएं महिलाओं के अंदर आएगी। अब दूसरा चलते हैं, दूसरा टाइप में, टाइप वन का प्रकार दो में चलते हैं। जब कोई भी वर्ग एक दूसरे से पूरी तरह समाहित ना हो लेकिन दोनों में कुछ समान सदस्य हो, जैसे काले रंग वाले और अमीर आदमी के लिए आरेख दिया हुआ है। काले रंग, देखिए यहाँ पे काले रंग वाले आदमी और अमीर। देखिए, कुछ काले आदमी ऐसे होंगे जो कि अमीर होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी काले आदमी हो अमीर। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया, कुछ का आ गया, सेंस आ गया, तो ये कुछ को दिखा रहा है। ठीक है, कुछ काले रंग वाले आदमी अमीर हैं, तो क्या कह रहा है, चूंकि कुछ अमीर काले रंग के हैं या कुछ काले रंग वाले आदमी अमीर भी हो सकते हैं, इस तरह का डायग्राम बनेगा। जब एक वर्ग दूसरे वर्ग से बिल्कुल भिन्न हो, जब एक वर्ग जो है दूसरे वर्ग से बिल्कुल भिन्न होगा, तो उसका क्या होगा, अलग अलग डायग्राम बनेगा। जैसे तोता और शेर में कोई रिलेशन नहीं है, तो शेर अलग हो गया, तोता अलग हो गया। ठीक है, अब चलिए दूसरा देखते हैं। प्रकार टू में विश्लेषणात्मक वेन आरेख कह रहा है, यदि वृत्त लंबे व्यक्तियों को, देखिए जो ये है वृत्त जो दिया हुआ है, सर्कल दिया हुआ है, लंबे व्यक्तियों को दर्शाता है, लंबे व्यक्तियों को, लंबे व्यक्तियों को दर्शाता है। ठीक है, व्यक्तियों को दर्शाता है। अब देखिए क्या कह रहा है, वर्ग जो है सशक्त व्यक्तियों को दर्शाता है, सशक्त व्यक्तियों को दर्शाता है। ठीक है, त्रिभुज सैनिकों को दर्शाता है, त्रिभुज क्या दर्शा रहा है, सैनिकों को, सैनिकों को। ठीक है, तो आपसे पूछ क्या रहा है, तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए निम्नांकित आरेख के अंदर दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या केवल सशक्त सैनिकों को दर्शाता है। तो सशक्त सैनिकों कौन सा होगा, सैनिक ट्रायंगल हो गया, सशक्त आपका वर्ग हो गया। अब दोनों में कॉमन क्या है, तो 6 कॉमन है आपका सशक्त सैनिक हो। अगर 2 लेंगे तो सिर्फ सैनिक होगा, 7 लेंगे तो सिर्फ सशक्त होगा, 4 लेंगे तो सशक्त सैनिक और प्लस लंबा होगा। यहाँ लंबा नहीं कह रहा, सशक्त सैनिक खाली कह रहा है, इसलिए 6 लेंगे, इसका आंसर क्या हो गया, 6 हो गया। चलिए आपको संबंधित प्रश्नों को देखते हैं, जो कि ऐसे क्वेश्चन जिससे आपको आइडिया मिलेगा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग कुछ वेन डायग्राम के सवालों को। तो जैसे फर्स्ट दिया हुआ पेड़, शाखाएं और जड़, तीनों में क्या रिलेशन होगा, कौन सा डायग्राम सूट करेगा। तो फ्रेंड्स, पेड़ के अंतर्गत आपके शाखाएं भी आती हैं और पेड़ का ही क्या होता है, जड़ भी होता है। तो अगर मान लें इसको पेड़ मान लें, तो इसके अंदर शाखाएं भी हो गई, जड़ भी हो गया। ठीक है, तो बी आपका क्या हो गया, सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, सेकंड नंबर है भाषा, जर्मनी और जापानी। तो लैंग्वेज के अंतर्गत ही आता है आपका जर्मनी और जापानी। तो लैंग्वेज को बड़ा रख लीजिए, भाषा को, इसके अंदर जर्मनी और जापानी, जर्मनी और जापानी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए ये दोनों अलग रहेंगे। ठीक है, तो आपका ए आपका सही हो गया। लड़का, खिलाड़ी और छात्र। ठीक है, तो देखिए लड़का क्या होगा, लड़का खिलाड़ी भी हो सकता है, खिलाड़ी भी हो सकता है कुछ लड़का, और कुछ लड़कियां भी खिलाड़ी हो सकती है, इसलिए पूरा नहीं लिया है। ठीक है, और कुछ लड़का और खिलाड़ी ऐसे भी हो सकते हैं जो छात्र भी हो सकते हैं। ठीक है, या कुछ छात्र ऐसे भी हो सकते हैं जो लड़के होंगे, या कुछ छात्र ऐसे भी हो सकते हैं जो खिलाड़ी होंगे। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, इस तरह का डायग्राम बनेगा, डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चौथे पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले किंतु गणित ना पढ़ने वाले छात्रों को दर्शाता है। ठीक है, इस डायग्राम को देखिए, बताना है आपको क्या बताना है, कंप्यूटर पढ़ने वाले किंतु गणित ना पढ़ने वाले छात्रों को दर्शाए। तो कंप्यूटर पढ़ने वाले किंतु गणित ना पढ़ने वाले छात्रों को दर्शाता है। वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले, कंप्यूटर और जीव विज्ञान पढ़ने वाले परंतु गणित के छात्र ना पढ़ने वाले को दर्शाता हो। देखिए यहाँ 7 जो है जीव विज्ञान और कंप्यूटर में है, लेकिन ये आपका गणित के क्षेत्र में नहीं आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 7 आपका सही उत्तर हो गया। तो फ्रेंड्स, ये था आपका वेन डायग्राम से संबंधित कुछ बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि मैंने आपसे डिस्कस किया। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे आते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए महामाया सिलेक्शन को सब्सक्राइब कीजिए
और हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक बटन दबाइए कि इस तरह के वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू।